नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन की रफ्तार मंद पड़ने के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार 4 जून से प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा भी शुरू कर देगी। सूबे में नॉन कोविड मरीजों की परेशानी देख सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है और इसका आदेश भी जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों के साथ मेडिकल कॉलेज में भी 4 जून से ओपीडी सेवा शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब मेडिकल कॉलेज तथा स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में सीमित संख्या के साथ जनरल ओपीडी सेवा 4 जून से प्रारंभ की जाएगी। इस दौरान ओपीडी में अधिक लोग एकत्रित न हो इसके लिए मरीजों की संख्या सीमित रखी जाएगी। रोगियों को पूर्व निर्धारित समय पर ओपीडी में बुलाया जाएगा। वहीं बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद के अंतर्गत एक व्यक्ति के घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल की जांच की और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मैं कहीं घूमने गया था अपने घर मकान पे दिल्ली फरीदाबाद, और पीछे किराएदार रहता था मेरे घर में, वो किराएदार था और उसने रात को पूरा घर खपोड़ लिया हमारा, चीज बस्त कपड़ा लत्ता सब चीज ले गया। क्या नाम था उसका? नाम था रवन और बंचावली का रहने वाला था, और हमने आके देखा तो हमारा घर। प्रदेश कार्यालय में पिछले 3 दिनों से बीजेपी दल की बैठक हो रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के साथ कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं बैठक से निकले मंत्रियों ने सरकार की प्लानिंग पर बात करते हुए कहा कि देश में सेवा ही संगठन की भावना के तहत काम करना है। वहीं बैठक को लेकर सांसद कौशल किशोर ने प्राइम टीवी से भी खास बातचीत की। राजधानी लखनऊ के भाजपा कार्यालय पे मौजूद है, जहाँ पे 3 दिन से जो है बैठक हो रही थी। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद कौशल किशोर जी हैं, जो ज्यादा जानकारी। सर, जो 3 दिन से बैठक हो रही थी, इसमें क्या निर्णय लिया गया? मैं उस बैठक के संबंध में हमें नहीं मालूम है। हमारी तो आज बैठक जो हुई थी वो तो बैठक मात्र जिला कोर कमेटी की बैठक थी, जिसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष के संबंध में तैयारी करने के लिए केवल बैठक बुलाई गई थी, बस उसी पर केवल चर्चा। इसमें क्या 2020 के चुनाव को लेकर भी कोई वार्तालाप हुई? नहीं, 2022 के चुनाव को लेकर के भी कोई। तो जैसा कि आपने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री जी को, उस पर क्या कोई चर्चा हुआ? नहीं, वो तो जो हमने लिखे थे उस पर सारी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और जो भी समस्याएं थी उसका निस्तारण किया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, और उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी उन्होंने जिस तरह प्रदेश का दौरा करके बोल्ड कदम लेकर के और कोरोना को जिस तरह पराजित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं उनका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जी, आप देख सकते हैं जिस तरीके से भाजपा कार्यालय पे 3 दिन से जो है बैठक जो है चल रही थी, मगर अभी कुछ निकल के आगे चलकर नहीं आया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या बैठक में निकल के आया है, ये देखने वाली बात होगी। राजधानी लखनऊ से शमशाद आलम, प्राइम टीवी न्यूज़। राजधानी लखनऊ के चिनहट में डॉक्टर पर जानलेवा हमला किया गया था। हमले के बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 1 पिस्टल और 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि डीसीपी पूर्वी संजीव सुमन, एडीसीपी पूर्वी कासिम आब्दी, एसीपी प्रवीण मलिक और इंस्पेक्टर चिनहट धनंजय पांडे की टीम ने मिलकर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दिनांक 26 मई को थाना क्षेत्र चिनहट बालाजीपुरम एक जगह है, जहां पर एक घटना हुई थी, जिसमें अज्ञात सवार द्वारा डॉक्टर संदीप जायसवाल को गोली मारी गई थी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। डॉक्टर संदीप जायसवाल इनका हर्षित ट्रॉमा सेंटर ये चलाते हैं, और इसके बाद ये ट्रॉमा रेफ़र हुए, उसके बाद इनको अपोलो रेफ़र कर दिया गया। अभी इनका इलाज चल रहा है। इसके बाद जो पुलिस की टीम है, सर्वेलांस टीम और जो क्राइम ब्रांच है, वो लगातार तलाश कर रही थी, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे थे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस की मदद से,
आज जो दोनों जो इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया था, दोनों अपराधी पकड़े गए हैं। इनके नाम आमिर चौधरी और राशिद चौधरी हैं। ये यहाँ लोकल इंदिरापुरम के रहने वाले थे और ये मूलतः किठौर के निवासी हैं। जो घटना की जो वजह जो इन्होंने बताई कि इनका जो एक भाई था खालिद चौधरी, वो यहाँ पर डॉक्टर संदीप जायसवाल का हर्षित ट्रॉमा सेंटर ये चलाते हैं, वहाँ पर ये एडमिट था। इलाज के दौरान इनके भाई की मृत्यु हो गई और इनका ये मानना था कि भाई का सही इलाज न होने के कारण ही उसकी मृत्यु हुई और लापरवाही की वजह से इसकी मृत्यु हुई है, जिस कारण ये लोग दोनों भाई काफ़ी क्षुब्ध थे और ये बदला लेने की नीयत से आज दिनांक 26 को इन्होंने इस तरह से डॉक्टर संदीप जायसवाल के ऊपर। रुक करते अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी में हुए नुकसान पर राजधानी लखनऊ में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बयान दिया है। अनुराग भदौरिया ने कहा है कि यूपी में भाजपा जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है और महामारी से निपटने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। ब्लैक फंगस को लेकर भी सपा प्रवक्ता ने कहा कि फंगस से परेशान मरीजों को बिल्कुल भी इलाज नहीं मिल पा रहा है और महंगाई पर भी चरम पर है और लेकिन लोगों को कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं अनुराग भदौरिया ने क्या बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी जनता के असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। कोरोना से लोग यहाँ करहा रहे हैं, लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, ब्लैक फंगस की दवा नहीं दे पा रहे, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं, महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है। ये समाज के असली मुद्दे जिस पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि 2022 में बाईसाइकिल की सरकार। वहीं आजमगढ़ में नगर पालिका परिषद में आरटीओ विभाग की टीम द्वारा कई गाड़ियां बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही गाड़ियों पर एक्शन लिया जा रहा है। नगर पालिका परिषद में खड़ी गाड़ियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में नई गाड़ियों सहित पुरानी गाड़ियों को भी चेक किया गया। कई बार चेतावनी देने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन के द्वारा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया और वहीं एसडीएम सदर के द्वारा आरटीओ विभाग को निर्देशित किया गया है। ने हमारे आरटीओ साहब ने बताया कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो नगर महापालिका में जो है अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो हम उसको एक सूचना देने आए हैं कि जो भी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं हुई है उनको आके हमारे कार्यालय में रजिस्टर्ड करा दें ताकि उसका समय से फिटनेस वगैरह और सारे संबंधित कार्य पूर्ण हो। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र में 3 बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के बल पर ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक लाखों रुपए की लूट की गई और लूट को अंजाम देने के बाद बाइक सवार फरार हो गए। घटना के बाद एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से लूट हुई है और जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। सबूतों के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है, जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। थाना छावनी के रहने वाले अर्जुन प्रसाद जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, इनके द्वारा ये सूचना दी गई है कि जब ये एसबीआई बैंक जिससे इनका ग्राहक सेवा केंद्र जुड़ा है वहां से अपने ग्राहक सेवा केंद्र के लिए पैसे निकाल करके वापस जा रहे थे तो रास्ते में 3 बाइक सवारों ने रोक करके इनसे इनका पैसों भरा बैग छीन लिया और छीनकर भाग गए। उनकी सूचना के आधार पर थाना छावनी पर लूट का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है 3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। साथ में हमारी 4 टीमें बनी हैं जो इस संबंध में घटना की फुटेज और आसपास के अपराधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। शीघ्र ही हम इन सभी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस घटना का खुलासा करेंगे। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौत हो गई। दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष के बाद ही कई लोग घायल हुए। मारपीट के मामले में पीड़ित पक्ष ने कहा कि दबंग आरोपी ने उनके परिवार के साथ मारपीट की। शिकायत के बाद थाना पुलिस ने उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं की। वहीं पीड़ित पक्ष की शिकायत पर उच्च अधिकारियों ने एक्टिव होते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में 45 वर्षीय महिला संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई है। वहीं महिला के शव को देखने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतका के परिवार वालों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। राजधानी लखनऊ में दुकानदारों को धमकाकर वसूली करने वाले 3 पत्रकारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी दी गई कि मास्क न लगाने की बात कहकर पत्रकार दुकानदारों से वसूली किया करते थे और इसके बाद पीड़ित दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शातिर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1.5 किलो पोस्ते के छिलके के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवक से पूछताछ जारी है। शाहजहांपुर के चौक थाना इलाके में एक महिला ने मारपीट के मामले में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि आरोपी ने उससे जबरन संबंध बनाया है और इसका विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की है। वहीं पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक्टिव होते हुए कार्रवाई की और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। वहीं शाहजहांपुर में मंडी परिषदों में लगे गेहूं क्रय केंद्रों को लेकर किसानों ने अपनी शिकायतें की। बीजेपी विधायक चेतराम पासी को बताई और किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बीजेपी विधायक चेतराम पासी ने आज 2 मंडियों में छापेमारी की है। मंडी में खुले में पड़े गेहूं देखकर विधायकों ने केंद्र कर्मचारियों को फटकार लगाई और विधायक चेतराम पासी ने मंडियों में निरीक्षण के समय सख्त हिदायत दी है कि सरकार की मंशा अनुसार कार्य ना पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा और अगर किसानों का किसी प्रकार से उत्पीड़न हुआ है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम है जसपाल सिंह जी, लाहा ब्रांड का रहने वाला हूं मैं। अच्छा। और मेरा 5 तरीका गेहूं पड़ा है, 25 क्विंटल गेहूं सड़ गया है, 25 वो डेरी बड़ी 25 क्विंटल गेहूं है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कभी 5 क्विंटल तोला जा रहा है, कभी 10 क्विंटल तोला जा रहा है, कभी 20 क्विंटल तोला जा रहा है। पैसे तो भाई साहब उन्होंने कहा जो कह दे मैं देना, वैसे 70-80 रुपए की बात हो रही थी, ज्यादा बड़ी बात नहीं थी हो रही, तो इतना खर्चा भी आता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी दे देना। हाँ दे देना। लापरवाही किस तरीके की हो रही है? लापरवाही भाई साहब, जाके मेरी ढेरी देख लीजिए कितना गेहूं सड़ गया और यहाँ से वहाँ पर पलटा लगवाया और रोज शांत कर रहे हैं भाई, थोड़ा थोड़ा गेहूं तोड़ लीजिए, हम लोग डिच्चू होके घर पे अपने जाएं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो किसानों के साथ पूरी तरीके से संवेदनशील है। हमारा जो किसान है वो अपनी बहुत ही मेहनत से फसल गेहूं और धान तैयार करता है, लेकिन कहीं न कहीं पर थोड़ी सी अव्यवस्था के कारण, चूँकि पंचायत के चुनाव थे, कोरोना जैसी भयंकर महामारी आ गई, इसलिए हमारे क्षेत्र के अधिकांश किसानों का अभी गेहूं जो है उनके घरों में पड़ा हुआ है। मेरे को पता लगा कि सरकार द्वारा देहात क्षेत्र के घर गेहूँ खरीद केंद्र कुछ बंद किए जा रहे हैं, तत्काल मैंने जिलाधिकारी शाहजहांपुर के संज्ञान में बात डाली। हमने कहा जब तक हमारे क्षेत्र के किसानों का एक एक दाना गेहूं का नहीं बिक जाता है तब तक कोई भी केंद्र बंद नहीं होना। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।